पास आज का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपके पास कंजर्वेशन ऑफ नेचर ठीक है कि अब हम नेचर को कंजर्व कैसे कर सकते हैं कंजर्वेशन इज़ द प्रोटेक्शन ऑफ द प्रिजर्वेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्स कि हमारे पास जो नेचुरल रिसोर्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना उनको प्रिजर्व करना वो आपके पास कंजर्वेशन होता है ठीक है इन्वामेंटल कंजर्वेशन इज़ द मैनेजमेंट ऑफ द बायोस्फेयर बाय द ह्यूमन इन अ वे दैट इट मे यील्ड द ग्रेटेस्ट बेनिफिट टू द प्रेजेंट जनरेशन ठीक है अब ये हमारे पास जो कंजर्वेशन है ये एक मैनेजमेंट होती है बायोस्फीयर की ठीक है बाय ह्यूमन ह्यूमंस के थ्रू human, कि एक ह्यूमंस कैसे आपके पास फ़ायदा साबित हो रही हैं जो आपके पास प्रेजेंट जेनरेशन के लिए एट द सेम टाइम मेंटेनिंग और साथ साथ आपके पास चीज़ों को मेंटेन भी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ठीक है मेंटेनिंग इट्स पोटेंशियल टू द टू मीट द नीड एंड द डिमांड ऑफ द फ्यूचर जनरेशन अपने लिए तो वो उस नीड को पूरा करें ही करें और साथ साथ वो आने वाली जो उनके फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए भी उन चीज़ों को कंजर्व करके रखें ठीक है इम्पोटेंस अब आपके पास कंजर्वेशन की क्या है वो देख लेते हैं कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज इज़ वेरी इसेंशियल फॉर इंश्योरिंग अ कंटीन्यूअस शील्ड ऑफ द प्लांट एंड द एनिमल एंड द मटेरियल फॉर द फास्ट ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन कंजर्वेशन जो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अब वो ज़रूरी क्यों है प्लांट्स के लिए एनिमल्स के लिए और जितने भी मटेरियल हैं जो फास्ट ग्रोइंग मटेरियल हैं और जो आपके पास फास्ट ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन के साथ साथ जैसे जैसे उनकी नीड है जितने भी मटेरियल हैं उनकी उनको कंजर्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो हैं वो अपसेट कर देती हैं और इस बैलेंस जो नेचर का जो बैलेंस है उसको देअर फॉर हमारे पास इन्वयरमेंट के अंदर कंजर्वेशन का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है कुछ आपके पास जो फॉलोइंग मेन ऑब्जेक्टिव हैं कंजर्वेशन के वो नेचर के अंदर वो ये हैं अब ये ज़रूरी क्यों हैं इंश्योर द प्रोटेक्शन ऑफ द प्लांट एंड द एनिमल स्पीशीज़ प्लांट और एनिमल स्पीशीज़ को मेंटेन रखने के लिए प्रिजर्व प्रिवेंट एक्सटेंशन ऑफ एक्सटेंशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल एनिमल्स और प्लांट्स के ख़त्म होने के मतलब उसको ख़त्म करती है ये प्रिवेंट रोकती है ना कंजर्व हो, गया अगर वो तो मेंटेनेंस ऑफ द स्टेबल इकोसिस्टम विद बैलेंस बायो जियो केमिकल साइकिल इसके साथ साथ स्टेबल इकोसिस्टम आपके पास मेंटेन होता है और साथ साथ जितने भी बायोजियो केमिकल साइकल्स हैं वो सारे के सारे जो हैं वो बैलेंस होते हैं इसके साथ वो आपको बताते हैं मिनिमाइज पोल्यूशन टू प्रिवेंट ग्लोबल वार्मिंग ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड एसिड रेन साथ साथ पोल्यूशन कम होगी तो जिसके रिजल्ट में आपके पास ग्लोबल वार्मिंग कम होगी ग्रीन हाउस इफेक्ट उसके साथ हमारा डिस्टर्ब नहीं होगा एसिड रेन के का जो है वो एसिड रेन नहीं होगी इसके साथ नेक्स्ट उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो है इंश्योर कंजर्वेशन ऑफ मरीन लाइफ एज इट इज़ अ मेजर सोर्स फॉर द फूड जो पानी के अंदर जो मरीन लाइफ है कंजर्वेशन के थ्रू मरीन लाइफ को काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा इसके साथ कहते हैं इंश्योर कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट फॉरेस्ट की अगर हम उनको कंजर्व रखेंगे जो कि आपके पास क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं आपको फॉरेस्ट फाइबर टेक्सटाइल ऑयल रबर फूड वुड टिबर मेडिसिन परफ्यूम एंड फर्नीचर वगैरह इनहेंस टूरिज़म इंडस्ट्रीज इसके साथ साथ डेफिनेटली हमारी नेचुरल सोर्सेस हमारे पास मौजूद होंगे तो ये ऑटोमेटिकली टूरिज्म की जो मेन इन्हेंस होगी ना टूरिज़्म वग़ैरह भी इसके साथ साथ प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू पीपल और जितनी आपके पास रिसोर्सेज होंगे आपके पास उतने ज़्यादा जो है नौकरी के मौाक़ आपके पास ज़्यादा होंगे ठीक है अब इनको कंज़र्व करने के तीन नेचुरल कंजर्वेशन के मेथड कौन कौन से इसको थ्री आर स्ट्रेटजी भी बोला जाता है तीन आर ठीक है तीन आर क्या क्या होते हैं थ्री आर फर्स्ट आर रिड्यूस री और थर्ड पे आपके पास आता होता है रिसाइकल अब हम थ्री आर स्ट्रेटजी यूज़ करेंगे रिड्यूस का मतलब है कम यूज़ करना ठीक है अमाउंट जो है जो इस चीज़ की आपको चाहिए उसका एक्स्ट्रा यूज ना करना ठीक है उस प्रोडक्ट को आपके पास कम यूज़ करना मीन कि आपको जितना चाहिए उतना आप उसको यूज़ करें उसको वेस्ट ना करें ठीक है अब देखें द रिड्यूज़ का क्या मतलब है द अमाउंट ऑफ द वेस्ट बाय जस्ट कटलिंग द एक्स्ट्रा यूज़ ऑफ द रिसोर्स मीन कि हम इस चीज़ को बड़ा ज़... वो रखें कि हम उसका एक्स्ट्रा यूज नहीं करेंगे ठीक है इसके साथ सच प्रोडक्ट शुड बी सेलेक्टेड विच प्रोड्यूस मिनिमम वेस्ट इसके साथ साथ हम वो वाले प्रोडक्ट यूज़ करें जो आपके पास ज़्यादा वेस्ट मटीरियल ना बन बने जिनके रिजल्ट फॉर एग्ज़ाम्पल हैंड बैग जो है प्लास्टिक के जो है ठीक है वो कहते हैं हैंड मेड बैग यूज किए जाएं इंस्टेड ऑफ़ प्लास्टिक बैग्स के इसके साथ साथ आप इलेक्ट्रॉनिक मेल यूज़ करेंगे इंस्टेड ऑफ़ पेपर या आपके पास क्लोजिंग वाटर टैप विद नॉट यूज ठीक है अब आपके पास जो मेल के लिए वो यूज़ बात कर रहे हैं आपके पास इलेक्ट्रॉनिक मेल्स वगैरह यूज़ करेंगे इंस्टेड ऑफ़ हम ये जो आपके पास पेपर की इंस्टेड जो मेल पेपर के थ्रू एक दूसरे को भेजी जाती है उसको ना कि किया जाए एक तो ये आपके पास रिड्यूस हो सकता है क्लोजिंग आप पानी का नल का उस टाइम पे बंद करें जिस टाइम पे आप उसको यूज़ नहीं कर रहे इसके साथ साथ आप जितनी भी लाइट्स हैं आपके घर में फैंस वगैरह हैं वो जब आप यूज़ कर रहे हो उस टाइम पे आप उनको यूज़ करें बाकी टाइम पे आप उसको बंद कर दें इसके साथ साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें इंस्टेड ऑफ जो हर एक जो अपनी ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहा है उसके मुकाबले में ठीक है ये तो रिड्यूस पहला फिनमिना था चीज़ों को कंजर्व करने का पहला मैथड दूसरा है री जो चीज़ें दोबारा से यूज़ हो सकती हैं उनको दोबारा से रीयूज़ करें बजाय इसके कि उनको फेंक के नई चीज़ लेने के ठीक है जैसे कि वो कहते हैं री, री यूज़ मीन यूटिलाइजिंग द सेम प्रोडक्ट्स अगेन एंड अगेन ठीक है अगेन एक चीज़ को यूज़ करना उसको मीन डिस्कार्ड ना किया जाए बल्कि उसको दोबारा से दूसरे तरीके से यूज़ किया जाए इट्स कॉस्ट लेस देन द दे परचेजिंग द न्यू प्रोडक्ट फॉर एग्ज़ाम्पल वी कैन री यूज़ प्लास्टिक बैग कहते हैं जैसे कि हम प्लास्टिक बैग को री यूज़ कर सकते हैं एलोमिनियम फॉइल वगैरह को ओल्ड जो मैगज़ीन्स वग़ैरह होते हैं न्यूज़ पेपर्स ओल्ड क्लॉथज जार्स एंड वेलब्स वगैरह और जितने भी कंटेनर्स हैं इन सब को हम दोबारा से युदे, युदे, यु, अपने री यूज़ उनको किया जा सकता है वी कैन आल्सो यूज़ रिचार्जेबल बैटरीज रैदर देन द सिंगल यूज बैटरीज ठीक है रिचार्जेबल बैटरीज वगैरह आप यूज़ करेंगे सिंगल बैटरीज जो मिन ख़त्म हो जाएंगी बैटरीज उनके बजाय ठीक है यूज़ ऑफ द री यूजेबल प्लेट्स ड्यूरिंग मील इंस्टेड ऑफ द डिस्पोजेबल प्लेट्स इज़ एनदर मैथड इसके साथ साथ कहते हैं जो प्लेट्स वगैरह आप लोग यूज़ कर रहे हैं ठीक है वो आप जो हैं री यूजल प्लेट्स यूज़ करें इंस्टेड ऑफ डिस्पोजबल ठीक है और थर्ड आपके पास जो आर थ्री आर की स्ट्रैटी में आती है वो है आपके पास रिसाइकल चीज़ों को दोबारा से रिसाइकल करके उनको यूजफुल बनाना आ, कहते हैं प्रोडक्ट्स डैट कैन बी ईजीली रिसाइकल वो वाले प्रोडक्ट जो ईजीली रिसाइकिल हो सकते हैं उनको आप रिसाइकल करें रिसाइकलिंग इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग अप ओल्ड मटीरियल एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड यूजिंग दैम टू मेक एन अदर प्रोडक्ट मच ऑफ द प्रोडक्ट यूज़ फॉर द पैकेजिंग टूडे लाइक पेपर प्लास्टिक ग्लास मेटल इलेक्ट्रॉनिक्स एल्यूमिनियम कैन्स आर रिसाइकल ये सारी चीज़ें मोस्टली आज के दौर में रिसाइकिल हो रही हैं ठीक है रिसाइकिलिंग इज़ गुड फॉर द इन्वायमेंट By recycling resources आर saved एंड less लेस वेस्ट इज produced. अब recycle का फ़ायदा क्या है इसके रिजल्ट में आपके पास एक एनवायरनमेंट के लिए बड़ा अच्छा है इससे आपके पास resources save हो रहे हैं और वेस्ट material भी इतना ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं हो रहा ठीक है इसके अलावा आपके पास अदर वे ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर जो हैं वो हैं आपके पास प्लांट आ ट्री पौधा लगाएँ वॉक एज मच एज यू कैन मीन गाड़ी पे जाने के बजाय आप चलना चलने को प्रेफर करें जिसके रिजल्ट में फ्यूल वगैरह का जो यूज़ है वो कम होगा राइड बाइक फार शॉर्ट डिस्टेंस बाइस पे जाएं शॉर्ट डिस्टेंस पे ताकि कम फ्यूल यूज़ हो यूज़ कार पोलिंग आ, कार पोलिंग वगैरह आप यूज़ करें यूज़ लेस टाइम टू टेक बाथ पानी का ज़्यादा ज़्यादा ना करें बाथ के टाइम यूज़ एनर्जी एफिशिएंट लाइट बल्ब जो आपके पास एनर्जी सेवर्स होते हैं बल्ब वो यूज़ करें यूज़ बोथ साइड्स ऑफ योर पेपर पेपर की बोथ साइड्स को यूज़ करें वर्ड यूज़ ऑफ़ द तो प्लास्टिक वाटर बॉटल्स प्लास्टिक की जो वाटर बॉटल्स हैं उनको यूज़ करने से मेन गुरेज करें बाय बाय एंड ईट लोकल फूड ख़रीदें भी और खाएं भी जो आप जो है लोकल फूड्स वगैरह uh, का यूज़ करें ग्रो योर ओन वेजिटेबल्स अपनी वेजिटेबल्स को ख़ुद लगाएं मीन गो टू अ कार बाइक वॉश रादर देन वॉशिंग एट अ होम ठीक है का के मीन गो टू अ कार या अ बाइक वॉश रादर देन वॉशिंग एट होम ठीक है इस पॉइंट को थोड़ा सा आप खुद देख लें कि इस इसमें वो क्या कहना चाह रहे हैं अन प्लग इलेक्ट्रॉनिक दैट और नॉट इन यूज ठीक है अगर आपके पास एक प्लग लगा हुआ है अभी वो यूज़ नहीं है तो उसको अनप्लग करें ठीक है उसको उधर प्लग के अंदर लगा ना रहने दें अवॉइड यूजिंग स्प्रे पेंट्स इसके साथ साथ स्प्रे पेंट्स का यूज़ जो है उसकी वजह से आपके पास एयर पोल्यूशन भी कॉज होती है ठीक है तो इस वजह से स्प्रे पेंट्स का यूज़ जो है वो आप अवॉइड करें